जय हिंद दोस्तों, UDCRA में आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी हम बात करेंगे वेस्ट इंडीज़ और ऑस्ट्रेलिया के बीच में होने वाले तीसरे T20 मैच की। दोस्तों, एक चीज़ ध्यान रखिए, ऑस्ट्रेलिया अगर हार गया तो वो सीरीज़ गंवा देगा, ठीक है। 5 मैचों की T20 श्रृंखला है, वेस्ट इंडीज़ 2-0 से आगे है, और अगर वो तीसरा भी जीत गया तो वो 3-0 की अजय बढ़त के साथ दोस्तों वो ये सीरीज़ ले जाएगा, ठीक है। लेकिन उससे पहले, जैसे कि मैंने कहा था कि मैं आप लोगों की स्पेशल डिमांड पे एक ग्रैंड लीग की वीडियो बनाऊंगा, कैसे आप लोग ग्रैंड लीग आसानी से एटलीस्ट महीने में 2-3 बार ग्रैंड लीग कैसे जीत सकते हैं, तो उसकी मैं वीडियो डाल चुका हूँ दोस्तों। ये पड़ी YouTube पे मैं वीडियो लाइव कर चुका हूँ दोस्तों, बहुत सारा मुझे प्यार भी मिल रहा है, और मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो 1 लाख लाइक्स क्रॉस करे। क्यों? क्योंकि पिछली वीडियो पे 85,000 लाइक्स आए थे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो 1 लाख लाइक्स तक जाए, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों इस वीडियो को लाइक ज़्यादा से ज़्यादा करना, क्योंकि बहुत मेहनत और बहुत बढ़िया वीडियो बनी है दोस्तों। आप अगर देखोगे ना, आपको मज़ा आ जाएगा। मेरे चैनल पे पड़ी है, टेलीग्राम चैनल पे भी बार बार इसका लिंक डाला जा रहा है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बढ़िया बढ़िया ग्रैंड लीग वन कर सके। और दोस्तों एक और बात, कुछ लोग मेरे नाम से ना आपसे पैसे ठग रहे हैं, तो मैं एक बात क्लियर कर दूँ, UDCRA अपने किसी भी यूज़र से किसी भी तरीके से ना एक भी रुपया नहीं लेता। मेरा यूट्यूब चैनल भी फ्री है, मेरा टेलीग्राम चैनल भी फ्री है दोस्तों, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों हमारी फैमिली के साथ जुड़िए, सब्सक्राइब वाला बटन दबाइए, जैसे ही ये बेल आइकन आपको दिखे ऑल पे क्लिक कर देना। जिससे होगा क्या, जैसे ही मैं अपनी अगली प्राइम वीडियोज़ डालूँगा ना, उसका लिंक आपको नोटिफिकेशन टैब में मिल जाएगा, और आप सबसे पहले मेरी वीडियो का लुफ्त उठा सकेंगे, और जो मैं प्राइम टीम देता हूँ वीडियो में, आप उसका भी लुफ्त उठा सकेंगे, ठीक है। अगर आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ना चाहते हैं तो टाइटल पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे आपको मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। और अगर आप ऑलरेडी टेलीग्राम यूज़ कर रहे हो तो टेलीग्राम चैनल ओपन करिए, इस सर्च वाले आइकन पर जाइए दोस्तों, और यहाँ पे लिखिए @UDCRA। जैसे ही आप लोग UDCRA लिखेंगे, 95,000 से ऊपर जिसके सब्सक्राइबर्स हैं वो वाला चैनल आपको ज्वाइन करना है। नीचे कुछ फेक चैनल्स हैं, आप ध्यान रखना, किसी के सब्सक्राइबर मुझसे भी ज़्यादा है लेकिन वो फेक है दोस्तों, मेरा रियल चैनल केवल यही है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए क्लिक कीजिए, म्यूट कीजिएगा, आपको ज्वाइन दिख जाएगा, आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। अनम्यूट पड़ा है, देखना पड़ेगा, ये देखिए दोस्तों म्यूट की जगह आपको ज्वाइन दिखेगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। अब इसे क्लियर करेंगे, इसे भी क्लियर करेंगे, और क्रिक बज ओपन करेंगे। यहाँ पे हमें डिटेल में स्टडी करनी है दोस्तों, तीनों मैचों में क्या घटा। तो सबसे पहले जो टीम आगे है उसके बारे में पहले बात की जाएगी, यानी कि वेस्ट इंडीज़ की टीम। तो चलिए दोस्तों प्राइम प्लेयर्स निकालते हैं वेस्ट इंडीज़ के, दो मैचों में कौन कौन से बने हैं। बैट बॉल पे जो लोग सस्ते, मतलब कि कॉन्टेस्ट खेलना है, जो कहते हैं कम कमीशन वाला ऐप है, वो बैट बॉल 11 ऐप है दोस्तों। ओपन कर मुझे लगता है मेंटेनेंस में है दोस्तों, ये अपडेट वर्जन लेके आ रहे हैं तो अभी शायद ये ओपन नहीं होगा। इनका मैसेज भी आया था, आप सभी लोगों ने पढ़ लिया होगा। तो फिर आप फैंटा फिट में खेल सकते हो, यहाँ पर भी देख लेते क्या ऑफर चल रहा है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर भी आपको हेड टू हेड काफ़ी सस्ते मिलेंगे। ये देखिए दोस्तों, ये आपको 57.50 में ड्रीम 11 पे मिलता है, यहाँ पे बहुत कम रेट है दोस्तों, फ़ायदा उठाइए। ये आपको 2875 में मिलता है, तो रेट यहाँ पे बहुत कम है दोस्तों, एक बात तो क्लियर है, ठीक है। अब मैच ओपन करेंगे, तो अब देखिए दोस्तों कैसे आपको प्लानिंग करनी है। सेकंड मैच में क्या कुछ घटा, वेस्ट इंडीज़ की पहले बैटिंग आई, फ्लेचर ने आते ही एक छक्का ज़रूर लगाया लेकिन वो बोल्ड हो गए। लैंडल सिमंस ने थोड़ी सी बढ़िया पारी खेली, गेल नहीं चल रहे, हेटमायर बहुत तगड़ी फॉर्म में चल रहे हैं, ब्रावो बॉलिंग में बहुत तगड़ी फॉर्म में चल रहे हैं, बैटिंग ऊपर आए तो उसमें भी कहर मचा गया, रसल भी बैटिंग बॉलिंग। तो दोस्तों दो प्लेयर तो हमें कन्फर्म है अपने, आंद्रे रसल और डेन ब्रावो ऑलराउंडर में आ गए, चलो ऑलराउंडर में, ठीक है, ये दो प्लेयर तो आपको चाहिए ही चाहिए। उसके बाद फ्लेचर और पूरन तो बहुत नीचे आ रहे हैं, तो अगर कोई वेस्ट इंडीज़ साइड से हमें लेना है तो हमें
फ्लेचर की तरफ देखना है। अगर विकेट कीपिंग सेक्शन से कोई प्लेयर चाहिए हमें, ठीक है, बैटिंग सेक्शन में देखते हैं। बैटिंग में सिमंस यहाँ पे 30 रन, ठीक ठाक है दोस्तों, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हेटमायर इस मैच में चले हैं तो हेटमायर को रखा जाएगा, और कोई कुछ नहीं कर रहा। सिमंस थोड़ा बहुत चल रहे हैं तो उन्हें रखा जाएगा। गेल कुछ नहीं कर रहे। बॉलिंग में देखा जाए तो शेल्डन, फिडल एडवर्ड्स के बाद रसल और ब्रायर तो श्योर है। हेडन वॉल्श, बढ़िया पिक मिल गया है दोस्तों, हेडन वॉल्श, ठीक है। तीन बॉलर इनके आ चुके हैं हमारे पास और चार बैट्समैन इनके आ चुके हैं हमारे पास, ठीक है। यानी कि अगर एक और कोई चाहिए हमें, देखिए ज़रा पहले मैच में कौन से प्लेयर मिले। दूसरे में कॉटरल ज़रूर मिला है हमें, लेकिन मैं लेने के पक्ष में नहीं हूँ उसे। अब देखते हैं पहले मैच में कौन से वेस्ट इंडीज़ के प्लेयर्स निकल के आएंगे। बढ़िया चेक करें तो क्या पता कोई और बढ़िया प्लेयर निकल के आ जाए इनका। सिमंस यहाँ पर भी ठीक ठाक चले थे, लुइस अंडा, हेटमायर ने बढ़िया किया, रसल ने बढ़िया किया, डीजे नीचे आए थे। और बॉलिंग में ओवेड मकाए 4 विकेट, हेडन वॉल्स फिर से 3 विकेट, फैबियन एलन को 2 विकेट। तो अगर ओवेड मकाए खेलते हैं या कॉटरल, दोनों में से कोई एक खेलेगा, जो भी बंदा खेलेगा वो टीम में रहेगा, ठीक है। कॉटरल को फिर भी बाहर कर सकते हैं लेकिन ओवेड मकाए को बाहर नहीं करेंगे। फैबियन एलन को भी लिया जा सकता है, 2 विकेट लेके गया बंदा, ठीक है। तो कुछ प्राइम प्लेयर्स हमें मिल चुके हैं लेकिन शेल्डन को बाहर करेंगे। तो ये 5 प्लेयर तो पक्का लेने हैं, 6 प्लेयर ले लेंगे अगर ओवेड मकाए खेलते हैं तो, ठीक है। तो अब चलते हैं दोस्तों दूसरी टीम की तरफ, उन्होंने क्या किया था, उनके प्राइम प्लेयर्स निकालते हैं। तो बैटिंग में वेड ने बहुत बढ़िया, 0 पे गए, फिंच भी 0 पे ही है लगभग, 6 रन को कुछ भी नहीं कहते। मिचेल मार्श बॉलिंग भी कर रहे हैं शायद, बढ़िया ये, जी हाँ बॉलिंग भी कर रहे हैं। तो एक बैट्समैन और एक बॉलर हमें मिल गया है अपना ऑस्ट्रेलियन टीम से, और क्या बात है, कोई चला ही नहीं दोस्तों। बॉलिंग में बात की जाए तो क्रिश्चियन भी नहीं चले, जैम्पा भी नहीं चले, एस्टोन एगार थोड़ा सा चले, हेजलवुड ने 1 विकेट लिया, स्टार्क की धुलाई बहुत तगड़ी हुई। तो और कोई प्लेयर बढ़िया नहीं मिला फर्स्ट मैच में देखा जाए तो। वेड ने बहुत ही तगड़ी बैटिंग की दोस्तों, तो वेड और फिंच में से एक लेना है आपको। ग्रैंड लीग में फिंच, स्मॉल लीग में वेड, और इनका फिर से कोई भी नहीं चला दोस्तों, बहुत बुरी हालत, पतली हालत कहूँगा मैं, बुरी भी नहीं। तो यहाँ पे हेजलवुड ने बढ़िया किया, तो एक और पिक आ गया इनका, हेजलवुड आ गया। तो ये देखिए 2 बॉलर और 2 बैट्समैन इनके आ चुके हैं। अब देखा जाए जनता फिर भी फिंच के साथ जा रही है जबकि फिंच कुछ भी नहीं कर रहे, हैरानीजनक बात दोस्तों। अब ये देखिए दोस्तों, ये 8 तो आपके हो गए प्राइम प्लेयर जिसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब आपको एक चीज़ दिख रही है, एक बैट्समैन लेना है और एक बॉलर लेना है, क्योंकि 3-3 की रिस्ट्रिक्शन है, ठीक है। तो एक बैट्समैन आपको ऑस्ट्रेलिया का ले तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का बैटिंग हमने नहीं ली। तो फिंच भी हो सकता है, वो गेल भी हो सकता है, हेनरिक्स भी हो सकता है, गेल नहीं होगा, हेनरिक्स हो सकता है, फिलिपी हो सकता है, ये कुछ बैट्समैन है जो आपके हो सकते हैं, लेकिन बैटिंग ऑर्डर देखते हैं किसका क्या है। फिलिपी या फिंच में से कोई एक ले सकते हो दोस्तों, ठीक है। बॉलर बात की जाए तो एक बॉलर और चाहिए इनका, तो फिर से दोस्तों 2 रिस्क ले रहे हैं जो कुछ नहीं कर रहे बंदे, लेकिन फिर भी हम लोग रिस्क ले रहे हैं मिचेल स्टार्क के साथ। ये देखिए अब 1-2 रिस्क लिए हैं जो मैं नहीं लेना चाहता था, मिचेल स्टार्क और फिंच, जनता के साथ जा रहा हूँ और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब एक प्लेयर आप कौन सा लेना चाहेंगे, गेल 1 डाउन पे आ रहा है लेकिन गेल कुछ कर नहीं रहे दोस्तों, बॉलिंग में है या बैटिंग में नहीं है दोस्तों, बॉलिंग में हर बार वो ऐसा नहीं करेंगे। तो यहाँ पे देखिए
हेजलवुड स्टार्क की जगह आप एस्टन एगार भी ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब वो एक प्लेयर पे पेंडिंग कर रहा हूँ, कॉटरल खेलते हैं तो कॉटरल, ऑविड मकॉय खेलते हैं तो ऑविड मकॉय, ठीक है। मैं इस टीम के साथ जाऊँगा कैप्टन वाइस कैप्टन दोस्तों, वेरी सिंपल दोस्तों, रसल एंड मिचेल मार्श सबसे बढ़िया एक तरीके से रिसेंट टाइम में, ये दोनों बढ़िया है। सेम टीम आप लोग बैट बॉल 11 पे लगा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। धन्यवाद दोस्तों।